हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर मोशन। और एक ग्राफ दिया आपको, एक बड़ा सा, डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, टाइम दिया है आवर में, थ्री ऑब्जेक्ट्स दिए हैं ए बी एंड सी। ठीक है, सबसे पहला सवाल है विच ऑफ देम इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। अब आपको पता है जो डी टी ग्राफ है उसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। स्लोप कैसे निकालते पहले आप देख लो एक वीडियो, मतलब सॉरी हाँ देख लो स्लोप होता क्या है। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। स्लोप होता है एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। और जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा स्पीड या वेलोसिटी होगी। ये एंगल जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा इससे आप ये कह सकते हो, मतलब जो आपका ग्राफ है, जैसे मान लो ये मैंने दे दिया, ये पॉइंट ए दिया, ये पॉइंट बी दे दिया, अब मैंने कहा किसकी स्पीड ज़्यादा है। आप टाइम देखो, आप एंगल देखो टाइम के साथ, इसका इतना, इसका इतना, तो जिसका एंगल बड़ा उसका स्पीड ज़्यादा। किसके साथ एंगल लेना है, टाइम के साथ। एक चीज़ अगर एंगल मान लो बहुत माइन्यूट डिफरेंस कभी कभार दे देता है, जैसे इस ग्राफ में उतना पता नहीं चलेगा, तो एक और तरीका है, आप ये देखो ये दूरी और ये दूरी, तो जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका डिस्टेंस एक्सिस से दूरी कम होगा। ये रट लो एकदम, बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। जिस ऑब्जेक्ट की दूरी डिस्टेंस से कम है उसकी रफ्तार ज़्यादा। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं करना, इट विल बिकम वेरी इजी। मैं देख लेता हूँ सबसे करीब कौन है, बी, तो बी की वेलोसिटी मैक्सिमम। उसके बाद कौन है, सी, तो फिर सी की वेलोसिटी, सॉरी मैं स्लिप होने वाला था, और सबसे दूर कौन है, ए, तो फिर ए की वेलोसिटी। ये पहले का आंसर आ गया। ठीक है, आप बस डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस एक्सिस से, जिसकी दूरी सबसे कम उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट। नहीं, देखो यहां पर बी मिल रहा है और ए मिल रहा है, यहां पर सी और ए मिल रहे हैं, यहां पर बी और सी मिल रहे हैं, बट तीनों एक साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मतलब सेकंड का आपका आंसर हो गया नो। नाउ द थर्ड पार्ट इज हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। सबसे पहले आप ये देखो कि बी ए को कहां पास हो रहा है, तो बी ए को यहां पास हो रहा है 1.2 से। यहाँ ध्यान, अब आप अपनी भी बुक खोलो, मैं ना मेरा ग्राफ हल्का उतना एग्जैक्ट नहीं है, बट एग्जैक्ट है बट साफ नहीं है। तो 1.2 से जस्ट पहले ये लाइन गई है, यहाँ पर बी ए को पास होता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब बी ए को पास करता है उस समय सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, हाउ फार है सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेज ए, मतलब जब बी ए को पास कर रहा है उस टाइम पर सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप कुछ मत करो, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टाइम पर। अब ये परपेंडिकुलर जहां भी आपके सी को इंटरसेक्ट करता है, ये परपेंडिकुलर जहां भी सी को इंटरसेक्ट करता है, देखो यहां पे ये कर रहा है, ये गया और ये गया, तो जहां भी सी पर इंटरसेक्ट करता है वो सी का डिस्टेंस हो जाएगा, उतने टाइम में निकालना है। तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये सी को यहां पे किया, अब यहां से आप ड्रॉ करो तो देखो 8 कितना आपका आ गया, 8 किलोमीटर। बट जो सी है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा, सी आपका कहां से स्टार्ट कर रहा है, सी आपका यहां से स्टार्ट कर रहा है बेटा, ये सी है, देखो ये ध्यान से, सी आपका यहां से स्टार्ट कर रहा है, मतलब जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो है तो सी ने ऑलरेडी कुछ इनिशियल डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो मुझे इस इनिशियल डिस्टेंस को जो मेरा फाइनल डिस्टेंस 8 आ रहा है उससे माइनस करना पड़ेगा। ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम जीरो है तब ये सी ने ऑलरेडी कुछ पहले से ही डिस्टेंस कवर करके रखा है, तो इतने टाइम का जो डिस्टेंस है वो मुझे इतना माइनस करना पड़ेगा, जितना भी आ कितना रहा है, 8 आ रहा है, 8 में इतना माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, डिवीजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दो यहाँ पे, 7 डिवीजन इज इक्वल टू कितना दिया है किलोमीटर में, 4 किलोमीटर। तो 1 डिवीजन कितना हो गया, 4/7 किलोमीटर। अब देखो ये कितने डिवीजन से स्टार्ट कर रहा है, 1 2 3 4 चौथे से स्टार्ट कर रहा है, चौथे से स्टार्ट कर रहा है, मतलब जो सी है उसका इनिशियल डिस्टेंस कितना आ गया, 4, 4 डिवीजन है मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन,
ये आ गया 16/7 किलोमीटर. 16/7, 7 × 2 = 14, 2 × 7 = 14, 6 × 0, 7 × 8 = 56. ये इसका इनिशियल डिस्टेंस आ गया. फिर यहाँ पे मैंने देखा जब बी ए को पास कर रहा है तो सी का कितना आ रहा है, 8 किलोमीटर. तो सी का जो फाइनल डिस्टेंस है वो कितना है, 8 किलोमीटर. तो इसने एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 8 - 2.28. माइनस करो कितना आएगा, मैं यहां करता हूं, मुझे मेरा माइनस थोड़ा कमजोर है. ठीक है, ये गया 2, 9 में 2 गया 7, 7 में 2 गया 5, 5.72 किलोमीटर. सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सी व्हेन बी पासेस. ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूँ, जब बी ए को पास करता है तो सवाल ये कह रहा है कि जब बी ए को पास करता है तो उतने टाइम में सी ने कितना ट्रैवल किया. तो जहाँ भी ये टाइम वाला एक्सेस, ये जो टाइम वाली लाइन है, सी को काटे, वहाँ से आपने डिस्टेंस पे एक्सेस ड्रॉ कर दिया, वो सी का फाइनल डिस्टेंस आ गया. बट सी ओरिजिन स्टार्ट नहीं कर रहा, उसने ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो मुझे वो माइनस करना पड़ेगा. माइनस करने के लिए मुझे इतना डिस्टेंस पता होना चाहिए. फिर मुझे पता है कि कितने डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिवीजन इज इक्वल टू 4 किलोमीटर. तो 1 डिवीजन निकाल लिया, कितने डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 4 डिवीजन का वैल्यू आ गया 16.7 किलोमीटर. ये सी का इनिशियल डिस्टेंस आ गया, इसको माइनस कर दिया, मैंने आंसर आ गया. ठीक, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट कह रहा है हाउ फार Has B traveled when it passes C? अब देखो ये B है, ये B है और ये C है, यहाँ पे एक दूसरे को पास कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अब देख लो, एक ध्यान देना है यहाँ पे जी, इस B का डिस्टेंस निकालना है. B ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है. अब बस सीधे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो डिस्टेंस पे. ये आया 4 के 2 ऊपर, तो 4 किलोमीटर प्लस 2 डिवीजन, तो नंबर 4 का आंसर हो गया 4 किलोमीटर प्लस 2 डिवीजन. ये हो गया डिस्टेंस ऑफ बी. फिर दिस इज 4 + 2 डिवीजन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, 4/7 किलोमीटर. तो ये टोटल हो जाएगा 4 + 8, 8/7 इज 1.30, 4 = 28, 2 = 14, तो आपका आंसर आ गया 5.42 किलोमीटर. क्योंकि बी ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ इनिशियल माइनस करने की जरूरत नहीं है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक, अब सपोज इस क्वेश्चन में बोल देता कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बी एंड सी, तो वो भी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताना कि ए बी और सी की वेलोसिटी कितनी आ रही है. ठीक, आई होप इट इज क्लियर टू यू. Thank you for watching. Bye.